सरकार बाबा साहेब के लिखे संविधान और आरक्षण के साथ कैसा घिनौना मजाक एवं खिलवाड़ कर रही है, ऐसा तेजस्वी यादव ने कहा। ये विज्ञापन उसकी एक छोटी सी बानगी है। यूपीएससी ने लेटरल एंट्री के जरिए सीधे 45 संयुक्त सचिव, उप सचिव और निदेशक स्तर की नौकरियां निकाली है, लेकिन इसमें आरक्षण का प्रावधान नहीं है। अगर यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से 45 आईएएस की नियुक्ति करती तो उसे एससी एसटी और ओबीसी को आरक्षण देना पड़ता, यानी कि 45 में से 22 से 23 अभ्यर्थी दलित, पिछड़ा और आदिवासी वर्गों से चयनित होते। मोदी सरकार बहुत ही व्यवस्थित पद्धतिबद्ध योजनाबद्ध और शातिराना तरीके से आरक्षण को समाप्त कर रही है, ऐसा जो है वो तेजस्वी यादव ने कहा। पूरा एक जो है इन्होंने बड़ा ट्वीट किया है कि मोदी सरकार जो है ये सब कर रही है। विगत चुनाव में प्रधानमंत्री समेत बिहार में उनकी पिछलग्गू पार्टियां और उनके नेता छाती पीट पीट कर दावा करते थे कि आरक्षण को समाप्त कर कोई उनका हक अधिकार नहीं खा सकता, लेकिन उनकी आंखों के सामने उनके समर्थन व सहयोग के बल पर वंचित, उपेक्षित और गरीब वर्गों के अधिकारों पर डाका डाला जा रहा है तथा कथित स्वयंभू ओबीसी पीएम समेत उनके साथ यूपी, बिहार, झारखंड के एससी एसटी और ओबीसी नेता दुर्भाग्यपूर्ण रूप से ताली पीट ठाके लगा रहे हैं, ऐसा जो है वो तेजस्वी यादव ने कहा। तो अब आप देख रहे हैं कि जो यूपीएससी की जो लेटरल एंट्री है इसका ऐड आ चुका है। यूपीएससी लेटरल एंट्री ओपन फॉर हाई पोजीशन इन ब्यूरोक्रेसी, वन की डिफरेंस इज नो रिजर्वेशन इन लेटरल एंट्री। कुछ लोगों के लिए जो है कुछ लोगों का कहना है ठीक भी है, लेकिन बहुत लोगों ने कहा कि ठीक नहीं है। खैर, आपको क्या लगता है कि ये कैसा कदम है और आप को क्या लगता है कि आरक्षण ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है? जो भी आपको लगता है आप ज़रूर ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताएं।